नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। रिजर्वेशन को लेकर आए दिन नई नई घटनाएं घटती रहती है। महाराष्ट्र में 16% रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर मराठा हड़ताल पर है। इसके पहले गुजर समुदाय ने भी हड़ताल कर दिया था हरियाणा क्षेत्र में, और आपने देखा होगा गुजरात राजस्थान में भी लगातार हड़ताल चल रहा था। लेकिन आज का सवाल यह है कि क्या रिजर्वेशन को जाति से हटाकर आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अलग अलग धर्म में रिजर्वेशन देना सही होगा? क्या अलग अलग जाति को रिजर्वेशन देना सही होगा या फिर रिजर्वेशन देना ही गलत है? आपको क्या लगता है? आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। रिजर्वेशन को लेकर कई लोगों का हमने देखा है सोशल मीडिया पर, कई लोगों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। किसी ने आरक्षण से निजात दिलाओ संघ बना दिया है, किसी ने आरक्षण दिलाओ संघ बना दिया है। सोशल मीडिया में ये चीजें आम बात हो गई है, लेकिन आरक्षण को लेकर आज करने जा रहे हैं सबसे सही और सटीक विश्लेषण। संविधान हमारा क्या कहता है और रिजर्वेशन से क्या वास्तव में किसी समुदाय को घाटा हो रहा है, क्या किसी जाति को घाटा हो रहा है? सारी चीजों पर आज बात करेंगे। लेकिन आपके लिए एक प्रश्न होगा कि क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन को भारत से समाप्त कर देना चाहिए? आप बड़ी संख्या में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद संबंधित मंत्रालय के मंत्री से पूछेंगे सीधा सवाल। हमारे साथ आप भी जुड़े रहिएगा ऑनलाइन कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रिजर्वेशन आखिर है क्या, क्यों दिया जाता है, संविधान क्या कहता है, क्या रिजर्वेशन हमेशा के लिए है? चलिए 1927 ईस्वी में जब शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ विश्लेषण का। 1927 ईस्वी में जब साइमन आयोग बनाने की घोषणा हुई, साइमन आयोग 1928 में भारत आया, 1930 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया, उसमें लिख दिया हरिजन। और हरिजन इसलिए लिख दिया कि हिंदुओं के अंदर एक वर्ग है जो अनटचेबल के नाम से जाना जाता है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा तो हिंदू में दो भाग हो जाएगा और ब्रिटिश शासन ज्यादा दिनों तक काम करेगा। उसके पहले अनुसूचित जनजाति शब्द का भी प्रयोग हो चुका था। सवाल ये उठने लगा कि क्या रिजर्वेशन जरूरी था? महात्मा गांधी इसके लिए अनशन कर दिए, और अनशन करते हुए उन्होंने कहा कि जो 71-72 सीट हरिजन को दिया जा रहा है, वे हिंदुओं के कोटे से उन्हें 148 सीट देने को राजी हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहते हैं 1932 में। आजादी के बाद संविधान का अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोक दिया गया, लेकिन ये लिख दिया गया कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि समाज में कोई भी वर्ग कोई सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़ गया है तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष सुविधा दिया जाएगा। ये विशेष सुविधा ही आगे चल करके रिजर्वेशन हो गया और अनुसूचित जाति और जनजाति को रिजर्वेशन दिया जाने लगा। रिजर्वेशन में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है, यानी कि 22.5% का। लेकिन 1990 के दशक में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया, और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बाद अन्य पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन देना शुरू हो गया, यानी कि सब मिलाकर 49.5% रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में कहा है कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 50%, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अलग अलग राज्य में रिजर्वेशन 69% और 72% तक है, जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। इसे लेकर अलग अलग राज्यों में भी डिमांड होते रहता है कि उस राज्य में भी रिजर्वेशन ज्यादा होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। जो इन दिनों महाराष्ट्र में मराठों का आंदोलन चल रहा है 16% रिजर्वेशन को लेकर, ऐसी आंदोलन झारखंड में भी चलता रहता है, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में भी आप लगातार देखते रहते हैं। रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? रिजर्वेशन देने का पर्पस है समाज में सोशलिज्म ला, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा जब समाज के सभी लोग इक्वलाइजेशन में हो जाएंगे। इसे देखते हुए भारत सरकार ये तय करती है कि जो बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, जिन्हें मुख्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उन सारे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए।
यानी कि उन सारे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हमारी मूल संविधान में आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों के लिए दिया गया है, यानी कि 10 वर्षों के बाद रिव्यू होगा और रिव्यू में अगर लगेगा कि जिन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए था उनको संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाया तो 10 वर्षों के लिए एक्सटेंशन मिलता जाएगा। लेकिन आज के समय में ये जाति आधारित हो गया है, जिसका मतलब यह है कि जहां पर जाति की संख्या ज्यादा होगी वहां पर रिजर्वेशन जाति को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में वह जाति किसी न किसी पार्टी का वोट बैंक बन जाएगा। यही कारण है कि जब जब रिजर्वेशन को लेकर आवाज उठती है लोगों में नाराजगी उत्पन्न हो जाता है। भारत में लगभग 80-85% वर्तमान जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति और जनजाति से मिला जुला है, यानी कि 10-15% लोग फॉरवर्ड क्लास में आते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि 50% ही रिजर्वेशन होगा, ये फॉरवर्ड के साथ कहीं भी अन्याय नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आरक्षण रहने से उन्हें नुकसान हो रहा है, ये सच नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि जो रिजर्वेशन समुदाय से जो बच्चे आते हैं अनुसूचित जाति जनजाति से, उसके तुलना में शहर में रहने वाले बच्चे या फॉरवर्ड क्लास के बच्चे थोड़ा ज्यादा तेज होते हैं, जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, स्कूलिंग भी पहले शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे में सरकार के द्वारा रिजर्वेशन दिया जा रहा समुदाय को तो गलत नहीं है, क्योंकि समाजवाद लाने के लिए इक्वलिटी में सभी लोगों को एक समान विचारधारा में फिट करवाना ज्यादा जरूरी होता है। ऊपर से हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर सही मायने में रिजर्वेशन लागू हो जाए, सभी वर्ग को उसका लाभ मिल जाए और सारे लोग विकसित हो जाए तो रिजर्वेशन हटा दिया जाए। पिछले 70 वर्षों में रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं मिला वंचित वर्ग तक, एक विवाद का विषय हो जाएगा फिर से। दूसरी बात यह है कि रिजर्वेशन देने का तरीका को बदला जाना चाहिए, यानी कि जो समुदाय को रिजर्वेशन दिया जा रहा है अगर उसमें से किसी एक फैमिली मेंबर को सरकारी नौकरी मिल गई है तो दूसरे किसी आदिवासी समुदाय को, किसी अनुसूचित जाति समुदाय को अब दूसरे किसी परिवार को नौकरी मिलना चाहिए। इससे रिजर्वेशन का पर्पस पूरा हो जाएगा और समाज में हर किसी लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। आप वर्तमान समय में देखते होंगे कि एक घर में अगर कोई डिप्टी कमिश्नर है तो उसी घर में दूसरा एसपी बन जाता है, तीसरा बीडीओ बन जाता है, चौथा कुछ बड़े पद पर चला जाता है, यानी कि एक घर एक फैमिली रिजर्वेशन लेकर के आगे बढ़ रहा है तो आगे ही बढ़ता जाता है। हाल के दिनों में झारखंड सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर जो समय सचिवालय में है, उसके पोस्ट पर विवाद उत्पन्न हो गया था कि उन्होंने ये दावा कर दिया था कि रिजर्वेशन एक ही व्यक्ति को बार बार मिलना चाहिए। हालांकि सरकार द्वारा बार बार इस पर सोचा जा रहा है कि क्यों ना रिजर्वेशन को रोटेशन सिस्टम पर किया जाए। आज भी आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड के राज्यों में जाइएगा तो मूल शहर से 15 किलोमीटर अगर आप गांव में चले जाए तो वहां विकास नहीं हुआ और वहां के लोग आज भी लकड़ी काट करके जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा दिया जाने वाला रिजर्वेशन सही हाथों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यही कारण है कि लोग आंदोलन करते हैं और एक दूसरा समुदाय तब तक तैयार हो जाता है रिजर्वेशन लेने के लिए। अब बिहार में देखेंगे तो दलित के बाद महादलित का फॉर्मूला लाया गया और सारी चीजें सिर्फ पॉलिटिकल ग्राउंड पर की जाती है। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बहुत बड़ा कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन कैसे लागू हो, कैसे लोगों को मिले ताकि समाज के सारे लोग इक्वलाइजेशन में आ जाए और उसके बाद रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा तो संभवतः किसी को आपत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति को पढ़ाने के लिए अलग अलग कॉलेज में फंड आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस फंड का दुरुपयोग हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि सही टीचर से वो पढ़वा रहे हैं कि नहीं? और ऐसे में इस ये फंड जो भारत सरकार की योजना के द्वारा लाया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये फंड के अगर आप पूरी चीजों को जब तहकीकात करेंगे तो किसी न किसी मंत्री का कोई व्यक्ति इस फंड को मैनेज करता है, उसके द्वारा कुछ पैसे में शहर का और गांव का जो सबसे निचले स्तर का टीचर होता है उसे उसे ले लिया जाता है, हायर किया जाता है और उससे पढ़वा करके कोर्स कंप्लीट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से कई बड़ी बड़ी स्टील कंपनी भी इस काम को कर रही है, जिसमें वह अच्छे टीचर को हायर नहीं करती है क्योंकि उसका फीस ज्यादा होता है, वह ऐसे टीचर को लेती है जिसको कम पैसा देने पड़े और ऐसे में अनुसूचित जनजाति के लिए मिलने वाला फंड भी उसे मिल जाता है।
पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती है तो रिजर्वेशन का लाभ उन्हें मिलने लगता है। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए भारत सरकार ने कहा था कि शून्य नंबर पर मेडिकल में दाखिला उन्होंने कई एससी एसटी कैंडिडेट को किया है, जो क्या सही होगा, एक विचार का विषय हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाले समय में स्कूल कॉलेज में इतना बेहतरीन पढ़ाया जाए, अच्छे टीचर की सहायता दी जाए कि रिजर्वेशन की जरूरत महसूस नहीं हो, और जो लोग रिजर्वेशन लागू करने में नाकाम रहे, जिन लोगों ने लागू ही नहीं किया उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, तो संभवतः समाज में इक्वलिटी होगा, लोगों की विचार समान होगी और रिजर्वेशन को लेकर जिस प्रकार से एक जातीय विभेद उत्पन्न होता है ये बच जाएगा। हम आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये जरूर लिखिएगा कि रिजर्वेशन देने का दायरा क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन किस आधार पर सरकार को देना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात सरकार तक भेज पाए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।